श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि इस समय देख रहे हैं आप कि मैं कुबेरेश्वर धाम में आया हूँ। जैसे यहाँ पे आप मंदिर देख रहे हैं, ये कुबेरेश्वर धाम का मेन मंदिर है। दूसरी साइड देखोगे तो इधर भी आपको मंदिर दिखेगा। यहाँ पे मंदिर बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया है कि मैं इस समय कुबेरेश्वर धाम में हूँ, सीहोर में हूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर क्यों आया हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा है कि मात्र 17 दिन में मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। अब मैंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण मेरी 17 दिनों में ही मात्र मनोकामना पूरी हो गई, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान कुबेरेश्वर से कुछ मांगते हैं तो मिलता जरूर है। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही उनसे मांगा था। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या उनसे मांगा था, लेकिन जो मैंने मांगा था मात्र 17 दिनों में मेरी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई। अब मैंने किया क्या वो बताता हूँ मैं आपको। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया है। उस काम शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आया था 13 तारीख को, मैं 13 अप्रैल को यहाँ पर आया था और यहाँ पे मैंने अर्जी लगाई थी कि मेरा अगर काम ये होता है तो मैं आपको अपना पार्टनर बनाऊँगा। और मैंने क्या करा कि भगवान कुबेरेश्वर को मैंने अपना पार्टनर बनाया। जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर 50% का मैंने उनको पार्टनर बना लिया। तो अब जो भी मेरी कमाई होगी उसका 50% मैं कुबेरेश्वर धाम को दूंगा और जो 50% है वो मैं रखूंगा। इस तरह से मैंने भगवान कुबेरेश्वर को यानी कि महादेव को मैंने अपना पार्टनर बनाया है। तो इस तरह से भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी की है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी पार्टनर बनाइए, ऐसा नहीं है। आप जो भी करना चाहते करिए, लेकिन मैंने जो मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसके पीछे जो मेन काम था वो यही था कि मैंने भगवान को अपना पार्टनर बनाया है। और मैं आशा करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैंने जो पार्टनरशिप की है भगवान के साथ वो मुझे ज़िंदगी भर उसको चला सकूँ, ताकि भगवान मेरे पर प्रसन्न रहे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय।